दिल्ली में आज धीरेन्द्र शास्त्री की कलश यात्रा, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, ये रूट्स रहेंगे बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन लेखनी न्यूज। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम की ओर से बृहस्पतिवार को उत्सव मैदान में शुरू हो रही हनुमान कथा से एक दिन पहले कलश यात्रा बुधवार शाम को निकाली जाएगी। यात्रा शाम 4 बजे शुरू होगी और रात 8 बजे उत्सव ग्राउंड IP एक्सटेंशन पर समाप्त होगी। इसके मद्देनजर ट्रैफिक के सुचारू संचालन के लिए पुलिस ने पर्याप्त इंतजाम किए हैं। भारी संख्या में ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। वहीं स्थानीय थाना पुलिस ने यात्रा की सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। यात्रा में किसी बाहरी व्यक्ति को घुसने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा हनुमान कथा के लिए भी व्यवस्था की गई है। ये है यात्रा का रूट। इंजीनियर्स अपार्टमेंट, थाना मधु विहार, नरवाना रोड, पैराडाइज अपार्टमेंट, नरवाना रोड, परिवार अपार्टमेंट, बाएं मुड़कर मंडावली मेन रोड सीधे लेकर शिवालिक अपार्टमेंट, रोड नंबर 57A सीधे मुड़कर विक्टर पब्लिक स्कूल, रेड लाइट, IP एक्सटेंशन, उत्सव ग्राउंड, ये रूट्स रहेंगे बंद। मदर डेयरी से नरवाना रोड से घिरा क्षेत्र, इंजीनियर्स अपार्टमेंट, थाना मधु विहार, नरवाना रोड, पैराडाइज अपार्टमेंट, नरवाना रोड, परिवार अपार्टमेंट, मंडावली मेन रोड नंबर 57A और मैक्स अस्पताल यू टर्न से NH 24 तक रोड नंबर 57A प्रतिबंधित क्षेत्र होगा। यात्रा के दौरान गाड़ियों को नहीं होगी एंट्री। यात्रा के दौरान वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा और कलश यात्रा के समय किसी भी वाहन को अनुमति नहीं दी जाएगी। लोगों को असुविधा और देरी से बचने के लिए यात्रा की योजना पहले से बनाने की सलाह दी गई है।